हरियाणा के पलवल में सीएम मनोहर लाल ने वीरंगना झलकारी बाई की जयंती पर हुए राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोली समाज बीजेपी का मुख्य अंग है। सीएम ने यहां कन्या स्कूल का नाम झलकारी बाई के नाम पर रखने और 3 करोड़ की लागत से कोली समाज का भवन बनाने और इसमें झलकारी बाई की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया है। इस दौरान बीजेपी के दिग्गजों ने भी सभा को संबोधित किया। ऐसी एक अनाम वीरांगना जिसका नाम बहुत कम लोग जानते रहे हैं, जब इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई, कुछ दिन के बाद जब व्यवस्था में लगे, तैयारी में लगे हुए हमारे बहुत से लोग, चाहे वो पार्टी के नाते से थे और चाहे कोली समाज के लोग थे, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा, आखिर आप वीरांगना झलकारी बाई जी का नाम कहां से लेके आए? भाइयों बहनों, थोड़ा बहुत इतिहास की जानकारी, खास करके इस देश के स्वराज्य की जानकारी, स्वाधीनता के इतिहास की जानकारी थोड़ी रखता हूं। 1857 में हमने झांसी की रानी का नाम तो लड़ते उस समय आज भी याद करते हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी की रानी का इतिहास पढ़ा तो तब ध्यान में आया कि झांसी की रानी की हम शक्ल आप आज फोटो में भी देख रहे होंगे, झलकारी बाई जी का चित्र थोड़ा नीचे करेंगे ध्यान में आएगा, झलकारी बाई जी का चित्र ठीक झांसी की रानी जी की शक्ल से मिलता जुलता है। वो एक प्रकार से दूसरी झांसी की रानी थी, अंग्रेजों से लोहा लेने वाली ये झांसी की रानी से कम नहीं थी झलकारी बाई। जैसे हम रानी की रानी झांसी लक्ष्मी बाई की जय बोलते हैं, वैसे वीरांगना झलकारी बाई की भी जय हमको बोलनी चाहिए। जोर से बोलो, वीरांगना झलकारी बाई की। आज ऐसी वीरांगना जिसकी जयंती के अवसर के ऊपर हम एकत्र आए हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब से आपने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी योजनाएं आपने चलाई हैं, वो दूर दराज जो अंत्योदय की लेन में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, वो योजना साकार रूप लेकर के वो हर घर तक पहुंच रही है, मैं ये अपनी आंखों से देख रहा हूं। जो आपकी सोच है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, क्या हमारी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी? और पिछले 9 वर्षों में जितनी भी योजनाएं आपने चलाई है, उन योजनाओं का सीधा सीधा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब से ये जिम्मेवारी आई है, ये हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से अगर कोई व्यक्ति इस योजना से छूटता है तो उसको भी सरकार की आपकी योजना से जोड़ करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का लाखों कार्यकर्ता करेगा। आज हम सब लोग वीरांगना झलकारी बाई का जन्मदिन मना रहे हैं, एक उस वीरांगना का जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अंग्रेजों से खूब लड़ी,
और रानी की झांसी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन इतिहास में कितनी सरकारें आईं, कितनी सरकारें गईं, ऐसी वीरांगनाओं का कभी जिक्र नहीं किया गया। इतिहास में उन सरकारों में किसका जिक्र हुआ? सबसे ज्यादा एक परिवार के व्यक्तियों का जिक्र हुआ। उन्हीं के नाम से बड़े बड़े संस्थान बने, उन्हीं के नाम से हवाई अड्डे बने, उन्हीं के नाम से रेलवे बड़े बड़े स्टेशन बने। लेकिन जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, ना उनके नाम कहीं नजर आते, ना इतिहास के पन्नों में नजर आते। पहली बार आपने 2014 में इस देश की बागडोर दुनिया के सबसे आज के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी और हरियाणा की बागडोर माननीय मनोहर लाल जी के हाथों में सौंपी। तब से आप देखेंगे जिनका नाम इतिहास में कहीं नजर नहीं आता था, आज उनकी जयंती केंद्र में भी और प्रदेश में भी मनाने का काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किया है।